चादर अरे
की बात करो करो का सब मिलकर एक बार जरा बोलो जय जय दादी की जोर से बोलो जय जय दादी की प्रेम से बोलो जय जय दादी की मिलकर बोलो जय दादी की बोलो मोटी से सानी दी आवाज करिए जय दादी की हां 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 ओ जिया Hey, hey, hey.
Oh,
Yeah.
ये जितना आराधना करने वाला ससाया आराम हो, मतलब मेहनत नहीं हो आराम हो, और आराम तो बिल्कुल हो गया दादी की सेवा करने से सबसे ज्यादा आराम मिले। मैं तो देखो एक ही राजा जाता नहीं भाग जाने कि दादी की फौज है, जो दादी की फौज हो गया वो फौज कुछ अलग अलग है, तो चाहे मेहनत हो या आराम पर मुख और सबसे करे करे बात बोले बोले के दादी को Yeah.
मंदिर के और जब उस मंदिर के उस प्रांगण में जब आप दादी जी का कीर्तन गाओगे तब आपको बिल्कुल जब भोग होगा बिल्कुल ऐसे ऐसे इस तरीके से भोग होगा कि भोग होने वाले वो भी आ जाएगा और खाने वाले वाले भी आ जाएंगे बोल बोल ये सती दादी अबे बन बन के कर गए जैसा दादा दिखा इस जो से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं आप सभी देते हैं। आज का सबसे सभी के पास एंड्रॉइड फोन है ना, जिसके पास अभी सेल्फी लेनी है तो फोन लेने की तरह करते हैं, तुरंत निकल जाए सेल्फी लेनी है तो तुरंत निकल जाए। हां मजाक मजाक से लेंगे, अरे मैं निकाल निकाल के फिर निकाल निकाल आपको उसके ऊपर श्री राम जीजे और जब वो खुल जाए तो उसको लाल लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि दादाजी की जो जोत अलग अलग स्थानों से होते हुए जहाँ 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 अमर करते हुए जा रहे हैं, जहाँ 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 दादाजी की जो जोत स्वागत किया है, जहाँ जहाँ दादाजी की जो जोत स्वागत करिए, सबने मिलकर किस तरह से दादाजी का आयोजन किया है, धूमधाम से भजन आनंद लिया है, वो सारी चीज आप इस नोटिफिकेशन से देखने के लिए जाएगी अपने आप पास। जरूर आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के सूचना आपको मिलती रहे। और मैं बता दूंगा दादी जी जो एक महीने तक पूरे भारत में भ्रमण करेगी एक महीने तक, यहाँ से गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और एक महीने के अंदर कम से कम 90 स्थानों पर दादाजी की जोत जाएगी। हर स्थान पर दादाजी की जोत का स्वागत कैसे बने किया, आप सबसे कैसे दादाजी बनाया आया, ये आप बिल्कुल आराम से घर बैठे देखिए और इसका आनंद लीजिए और साथ ही साथ इसको आगे से आगे आप फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे दादाजी जी का जम इस पूरे संसार में फैलने लग जाए और फिर आप गर्व के साथ बोले जय दादाजी की, बोलिए जय दादाजी की, जोर से बोलिए जय दादाजी की। और फेसबुक पेज है जो ज्योत यात्रा, एक मेरा मेरा फोटो है देख लीजिए अच्छे से, अच्छा है ना, अच्छा है ना, हाँ हाँ ये फोटो लगा हुआ है आप ज्योत यात्रा के पेज पर, आप उसको भी जा सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इससे हम सभी दादी भक्तों को एक माला माला में रोने रोने का कार्य कर रहे हैं। जितने दादी भक्त हैं उन सबसे बारे में जो डाटा है वो हम सब दादी भक्तों के पास हो और एक एक करके करते ही आप सबसे संदेश हमारा संदेश ये सब एक दूसरे से जुड़ जाए और झुंझुनू में कार्यक्रम हो और चाहे उदयपुर में हो हर जगह की सूचनाएं भक्तों को मिल रही रहे। बोले रानी सरस्वती दादी, भैया कुछ कुछ बोलना चाहते हैं बोलो वाली मैया की। भाइयों आज हम जो अभूतपूर्व संध्या पहली बार वर्ग में देख रहे हैं इसके सूत्रधार हमारे कलकत्ते से पधारे हुए जो ज्योति झुंझुनूवाला जिनके हम बहुत दिल से आभार हैं कि जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम को हमारे लिए प्रस्तुत किया, हमारी बहुत 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 शुभकामनाएं उनके लिए। और मैं चाहता हूं एक बार प्लीज और इनका स्वागत करेंगे हमारे अरुण जी, सभी लोग जोर से स्वागत करें।
और मेरी इच्छा है इनके इनकी शुरुआत से हमारे यहाँ उदयपुर में भव्य दादी का मंदिर बने। दादी की जय। हमारे बीच कयाल साहब हैं और खेदान जी आप कयाल साहब का कयाल साहब का करिए आप भी एक्टिव रूप से। और संजय जी जी अरे बोलो रानी सीतादी जय आइए इतने सुंदर बचपन से इन्होंने हमें हमें पक पक किया है हमें हमें संजय जी आप अरे हमारे खेतान साहब हैं और सभी संजय जी शर्मा जिनका भजन सुन रहे हैं ये हमारा द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में 40 दिन इन्होंने निःशुल्क सेवा प्रदान की एवं इस द्वितीय चरण में भी 30 दिन की यात्रा में पूरी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इनको ताली बजा के इनका सम्मान बढ़ाएं। जय दादा जी। परमेश्वर जी आप जाओ भाई साहब आपको भी स्वागत करना है। हमारे ये म्यूजिशियन है सोनू भैया का स्वागत करिए। आइए और आज विनोद जी और प्रीति भाभी दोनों का यहाँ साल मिले है जो इतने बड़े बढ़िया प्रोग्राम के लिए इन दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना है। हमारे लिए अभूतपूर्व संध्या है। उदयपुर में हमने पहली बार इसको महसूस किया है। बोलो रानी सती दादी की जय। बस ओवर टू संजय जी। हेलो हेलो अरे तो गाओ कौन के बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये आए आप जियो हमारी है ये आरज़ू हैप्पी एनिवर्सरी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जी। क्या बात दादी जी की कृपा से आप दोनों स्वस्थ रहे व्यस्त रहे और मस्त रहे।
हेलो हेलो भीलवाड़ा से बता रहे हुए श्रीमान केलाश अग्रवाल पहला अग्रवाल सुरेंद्र अग्रवाल अनिल अग्रवाल प्रेम प्रकाश अग्रवाल गोविंद अग्रवाल राजेश जी बंसल सोनू जी अग्रवाल संजय जी तुलसीराम जी कृपया कृपया आए मैं विनय जी को जाके भी हो सम्मान के लिए यहाँ पर आया है। विनय जी झुंझुनू वाले जाके भी हो भीलवाड़ा से पधारे पहला जी अग्रवाल का मैं विनय जी से निवेदन करता हूँ कि उनका दादी परिवार उदयपुर की ओर से उनका अभिनंदन करें उनका उनका दुपट्टे के साथ स्वागत करें स्वागत जय दादी की जय दादी की जय दादी की जय मैं केएम इंदल साहब को श्रीमान केएम इंदल साहब आए और भीलवाड़ा से पधारे हुए दादी भक्त का सम्मान कर उनको अनुरोध करें श्रीमान केएम इंदल साहब मैं खेतान साहब से निवेदन करता हूँ एसके खेतान साहब जाके भी हो खेमचंद जी अग्रवाल जाके भी हो श्रीमान खेमचंद जी अग्रवाल साहब खेतान साहब बाल मुकुंद जी पीपी श्रीमान खेमचंद जी भिसा बाल मुकुंद जी पीपी सम्मान कर देवेंद्र जी अग्रवाल या गोयल जो भी हो इनका भी सम्मान करें इनका जोड़े से सम्मान करें साथ में सीमा सीमा इनका जोड़े से सम्मान करिए भाभी जी आप सुषमा जी अग्रवाल भाइयों इसी कड़ी में 24 दिसंबर को अग्रसेन नगर में एक भव्य मंगल पाठ का अग्रसेन भवन उदयपुर अग्रसेन भवन में एक भव्य मंगल पाठ का आयोजन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप लोगों के आने से एक उसका बहुत बड़ा हमें रूप देखने को मिलेगा और सभी सभी लोग आमंत्रित हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जरूर जरूर बता रहे हैं। की जय हेलो हेलो ज्योति ले वो एक आदमी बिरयानी का बिरयानी थोड़ा बिठाना
सभी बैठ जाएं। देखो जो खड़ा है वह खड़ा रहे हम लोग थारे मतलब को भजन गाऊं एक बार ध्यान से सुनियो। ये हमारी जितनी बहने हैं उनके लिए भजन है, जरा ध्यान से सुनिए। हो गई बात? अरे बात होगी के पक्को शुरू करा। जब से दादी जी को दर्शन हो तब से मन में एक इच्छा होगी के इब तो काम काज में मारो यो मन मना लागे, इब तो काम काज में मारो यो मन मना लागे। ओ दादी भी हरिए सो थारो झुझड़ो धाम, ओ दादी भी हरिए सो थारो झुझड़ो धाम लागे। चाहे 30 साल की भाई ने सुनाओ और चाहे 70 साल के भाई ने सुनाओ, बिको जी राजी हो जी, पीरे को नाम होते जी राजी हो जी। और फिर दादी को मंदिर अगर पियर बढ़ जावे तो भी से बड़े बड़े राजी की बात हुई। ओ कौन सा गया एक बार मावड़ी के शीर्ष चरण में प्रार्थना करा आपस वाला मिल कर 1 2 3 4 हमें ऐसा लगता है कि मारवाड़ी समझे कि कौन समझे, लेकिन राजस्थान में तो मारवाड़ी में ही बोला हमें, क्योंकि माने बेरो मारवाड़ी तो अंदर से ही आई है सब जगह। गाओ एक बार सबका मिलकर इब तो काम काज में मारो यो मन मना लागे, इब तो काम काज में मारो यो मन मना लागे। ओ दादी भी हरिए सो थारो झुझड़ो, ओ दादी भी हरिए सो झुझड़ो धाम लागे। अब क्यों लागे कि यार ये को सोचो है तो ताली बजानी पड़ती है जोरदार। अरे बोल तो भाई आज हमारी एनिवर्सरी है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे बिना बोलो जोर से बोलो, साउंड बढ़ाना है। जब बेटियां अपने ससुराल से मायके जाती हैं, तो सबसे पहले जाने के बाद क्या काम करती हैं? सबसे पहले मम्मी से मिलती हैं, क्या बात? धोख लगाती हैं, दर्शन करती हैं, माँ के चरण छूती हैं, धोख लगाती हैं,
और वहां जाकर पूरे आनंद के साथ रहती है, मतलब हाथ पाठ में कोई कमी को नहीं होती, दिल खोल कर कोई रोक टोक को नहीं है, ये रोक टोक पीयर में रोक टोक है। हेलो, अरे मेरी आवाज के और दूसरा काम हेलो हेलो पहले यही वाला था ना, और दूसरा काम दूसरों के करें, पहले तो हो चरण छू लिया आराम करो अच्छा सच बोलो तो पक्को, अरे मैं दूसरी बात बता दी तो बोलो 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 दूसरी बात बता दी बोल दो बोल दो बोल दो देखो और भी करो दूसरी बात, माँ के घर में बैठकर सास की जितनी बात बात करें बहुत जोर है आई आई बात तो जरूरी है दूसरे नंबर पर भाई भाई हो और भी बात में जा जा के बड़े प्रेम से बोलो मेरी सास बहुत अच्छी है मेरे से काम ही नहीं कर पा रहा और अनंत तो मन बैठे पानी पा रहा है क्या वाह वाह हां तो ऐसे ही जब हम दादी के दरबार में जाते हैं ना तो वहां भी जा जा के दिल दिल बात सारी बोल देते हैं और जब दिल की बात बोलते हैं तो कैसा होता है मन में बेटी पड़े जल्द हाल सुनाओ आया हूँ तारी की तुम्हारे
Thank you.
चुड़ैली छाला से दादी चुड़ैली चुड़ैली छाया से गाई आइए हमारे बीच आदरणीय श्री राजेंद्र जी गोयल उपस्थित हैं और हम उनका माल्यार्पण अर्पण स्वागत कर रहे हैं। जय दादा जी की। पानी नहीं रखा है यार। बोल भाई तुम ही ये श्री रानी फाउंडेशन कलकत्ता दादी जी दिव्य ज्योत को लेकर ये द्वितीय चरण में चौथे दिन आज उदयपुर शहर पधारी। यहाँ कम भक्तों में इन्होंने जो हमारा मान बढ़ाया ये अत्यंत है, सराहनीय है। हम यहाँ के भक्तों को एक हमारे बीच पधारे हैं, ये यहाँ के भक्तों को एक स्मृति प्रदान करेंगे। ये हमारे झुंझुनू शहर से थे गोयल जी, हमारा इनसे पुराना रिश्ता रहा है। ये हमारी तरफ से यहाँ के भक्तों को हेलो 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 आज हमारे बीच एक भाई बहन ने अपना सालगिरह मनाया है। आमंत्रित करता हूँ उनको हमारे रानी सिटी फाउंडेशन की तरफ से एक एक दादी जी की चुनरी उड़ाकर उनका सम्मान करेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय की जय। चुनरी में भी गाना है, आ जा जा अरे लिया थारी चुनरी करियो मासिया।
सेवक लाया चूड़ी चूड़ी मारा दादी
कैसी नाटी चूड़ी ओलो लो रही कैसी नाटी चूड़ी ओलो लो रही Yeah.
सजा नहीं सकते हमारी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी दादी ने हमें सुनाया कि हम दादी की सेवा कर रहे हैं, इसे सजा रहे हैं, इसके लाला लड़ा रहे हैं, ये हमारे बड़े बहुत बड़ी कोशिश है। तो आइए जो दादी जी को सुनना चाहते हैं आगे आ जाइए, सारे आगे आ जाइए। एक साथ एक एक दो तीन चार जैसे पाए तू वैसे बहनाए,
जैसे चलाए तू वैसे चलना है सारी उम्र हमें संग रहना है। प्रेम कथा का तुमसे वादा टूटे ना, प्रेम कथा का तुमसे वादा टूटे ना। दादी जी के इस परिवार को हम लोग निरंतर आगे से आगे जोड़ते जाए और ये एक ऐसी सिद्धि चेंज बन जाए कि पूरी दुनिया में दादी जी के नाम का परचम लहराए। और इसके लिए केवल दो लाइनें बिल्कुल सीधी है कि झूठे वाली माला सारे जग में फैलेगा और घर घर में बच्चा बच्चा जय जय दादी बोलेगा, घर घर में बच्चा बच्चा जय जय दादी की बोलेगा। अब झंझे वाली आवाज कौन नहीं आ रहा है, हो जाओगे लाओ झंझा कैलाश दादी की ध्वजा है, एक एक जन उठा ले। कैलाश भैया को अपने से इच्छा रहती है कि जितने दादी भक्त मिले उन्हें एक एक बार ध्वजा उठवा दे और उनसे ये कहवा दे कि घर घर में बच्चा बच्चा जय जय दादी बोलेगा। हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ये दादी से ज्यादा परचम है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाए और आगे आ जाए। ये दादी से ज्यादा के उच्चार से आदि के जयकार मंत्रों के उच्चार से
12वीं सदी दादी की। तेरे दरबार में आकर खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, हंसी मिलती है। बोले रानी सीसी दादी जाना है कौन बोले हाँ उसी 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 उतारे जाज नगाड़ा बाजे रे साला सर के मंदिर में हनुमान बिराजे। देखिए सबको मनाया बहुत अच्छा किया, लेकिन हनुमान जी को मनाया और अगर नहीं मनाया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि किसी का भी दरबार हो बालाजी हमेशा घोटाले करते ओ हनुमान बिराजे रे पठे बजरंग बिराजे रे, हनुमान बिराजे रे पठे बजरंग बिराजे रे, उठारे I'm not afraid.
बोलिए रानी सती दादी की। ओम कर्पूर गोरम करुणावतारम संसार शा